गाइज मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक लड़की जिसके पीछे एक अनजान आदमी उसे अकेला देख के पीछे पड़ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है और साथ में उसके साथ में काफी ज्यादा टॉर्चर भी करता है। सो गाइज मूवी शुरू होती है और हम लोग एक जेसिका नाम की लड़की को देखते हैं। वो घर के सारे सामान को पैक करके इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती है। जेसिका इस समय काफी परेशान है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। दरअसल किन्हीं वजह से उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, जिसके डिप्रेशन में आके वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का प्लान बनाती है और उसका साथ में मेंटली इलाज भी चलता है। सो अब जेसिका किसी दूसरे शहर में अपने लंबी सी जर्नी के लिए निकल जाती है। वो अपने रूट पर बस कुछ ही देर चली होती है कि उसके गाड़ी के आगे एक जीप आ जाती है। अब जेसिका उस कार से पास लेने का ट्राई करती है, लेकिन वो जो कार होती है वो जेसिका को पास नहीं दे रहा होता है, जिसके बाद में जेसिका अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उस कार को ओवरटेक करती है। वो जैसे ही ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो आगे से तेजी से एक ट्रक आता है, जिससे टकराने से जेसिका बस बचती ही है। इस बात से जेसिका बेहद घबरा भी जाती है, मगर वो जीप वाला अब काफी पीछे छूट चुका है। लेकिन अचानक से वो जीप फिर से जेसिका की कार के पीछे तेजी से आ जाता है। जब वो जीप वाला उसे लगातार फॉलो करता है, इसलिए जेसिका अपना रूट चेंज कर लेती है और जो जीप होती है वो सीधे चली जाती है। कुछ देर में ही रात हो जाती है, इसलिए जेसिका एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहां पर रुककर वो अपनी मॉम से फोन पर बात करती है, मगर कुछ समय बाद में वो जो जीप होती है वो उस गैस स्टेशन पर भी आ जाती है। जेसिका उसे देखकर काफी हैरान होती है और कॉल को बीच में ही काटकर अब यहां से जल्दी से निकल जाती है। जेसिका ने यहीं पर मोटल बुक किया होता है, जिससे वो ये रात यहीं पर बिताती है। नेक्स्ट डे अब वो फिर से अपनी जर्नी के लिए स्टार्ट होने लगती है, मगर उसे फिर से वही जीप वहीं उसके पास में दिखाई देती है। लेकिन इस बार में अब जो उस जीप का आदमी होता है वो जेसिका के पास में आकर उससे बात करता है। वो जेसिका से हाईवे पर जो भी कुछ हुआ था उसके लिए सॉरी बोलता है। वो ये भी कहता है कि वो उस समय फोन यूज कर रहा था, मगर जेसिका उससे इट्स ओके कहकर यहाँ से निकल जाती है। अब जेसिका कुछ देर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है और थोड़ी देर बाद में उसे रोड के बीच में फिर से वही कार बंद पड़ी हुई दिखती है। वो जो आदमी होता है वो उस कार को ठीक कर रहा होता है, जिसके बाद में वो आदमी जेसिका की कार के पास में आकर हेल्प मांगता है। वो जेसिका से ये कहता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, प्लीज मुझे गैस स्टेशन तक के लिए लिफ्ट दे दो और वहां पर जाने के बाद में मैकेनिक के साथ में यहाँ पर अपनी कार के पास में आ जाऊंगा। मगर जेसिका को इस आदमी के बार बार मिलने से उसे खतरे का शक होने लगता है, जिससे वो किसी तरह उससे बच के बिना हेल्प किए हुए यहाँ से निकल जाती है। अब कुछ समय बाद फिर से रात हो जाती है तो जेसिका किसी जगह रेस्ट करने के लिए रुकती है। वो कॉल पर अपनी मॉम से बात करती है, लेकिन इसी दौरान वो जीप कार वाला वहां भी आ जाता है। जेसिका कुछ भी रिएक्ट किए बगैर वहां से चुपके से निकल जाना चाहती है, मगर अब वो जो आदमी होता है वो जेसिका के पास में आकर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका कुछ भी सुने बगैर वहां से जल्दी से निकल जाती है। वो जल्दी से घने रात में तेजी से इस जगह से निकल जाती है। इस समय जो भी गाड़ी उसके पीछे आ रही होती है, हर गाड़ी जेसिका को यही लग रहा होता है कि वो वही जीप वाली कार है। अब कुछ दूर में जाने के बाद में जेसिका की कार पंक्चर हो जाती है और उसकी गाड़ी जाके साइड में टकरा जाती है। जेसिका कार के टायर को देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके टायर को काटा है और ये काम वही जीप ड्राइवर ने किया होता है। अब कुछ समय बाद में उस जीप कार का ड्राइवर उस जगह पर जेसिका के पास में आ जाता है। उसे पता होता है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। इसके बाद वो आदमी जेसिका के ऊपर हमला करता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के अपने कैबिन में ले जाता है। अगले दिन अब जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो एक कमरे में बंद है। उसके खूब चिल्लाने पर भी वहां पर कोई नहीं आता है। फिर से रात हो जाने पर वही आदमी वहां पर आता है, लेकिन वो जेसिका के साथ में अब जबरदस्ती टॉर्चर करने लगता है। जेसिका के खूब कहने पर भी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर वो साइको आदमी उसे नहीं छोड़ता है। उस आदमी को जेसिका के पास में जेसिका का टैबलेट मिलता है, जिसमें उसे जेसिका के साथ में उसके हस्बैंड की वीडियो दिखती है। वो आदमी जेसिका से इस सब के बारे में पूछता है और जो वो इस वीडियो में है उस आदमी के बारे में पूछता है, जिसके बाद में जेसिका बताती है कि वो इसका हस्बैंड था जिसने अब सुसाइड कर लिया है। अब जब अगला दिन होता है तो वो आदमी शहर गया होता है। जेसिका यहाँ पर बिल्कुल अकेली बचती है। इस कमरे से निकलने की जो चाबी होती है वो दूसरी साइड में दरवाजे से लगी होती है, जिससे जेसिका एक कील की मदद से चाबी को नीचे गिरा के इस दरवाजे को खोल के बाहर निकलती है। मगर वो आदमी अब वापस आ चुका होता है, जिससे जेसिका पास के पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है। वो आदमी टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करता है, तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है।
वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो किसी और जगह पर है। ये आदमी जो भी काम करता है वो अपनी वाइफ से छुपाता है और उसकी वाइफ जो होती है वो इसको एक अच्छा आदमी समझती है। जब वो आदमी दूसरे कमरे में चला जाता है तो जल्दी से जेसिका इस जगह से भागकर यहाँ से चली जाती है। एक घने जंगल में जहाँ पर कोई दूसरा शख्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता है, वो बस अपने भागने पर पूरा फोकस करती है और इस जगह से जल्दी से भाग जाना चाहती है। लेकिन जल्दी उस आदमी को पता चल जाता है कि जेसिका भाग चुकी है, इसलिए वो भी पीछे से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जेसिका के नंगे पैर भागने की वजह से एक बड़ी सी लकड़ी उसके पैर में घुस जाती है और जल्द ही वो आदमी भी जेसिका को ढूंढ लेता है। जेसिका के पास अब अपने बचने के लिए सिर्फ पानी में कूद जाना ही सही लगता है, इसलिए वो नदी में कूद जाती है। नदी का बहाव बेहद ही तेज होता है जिससे वो खूब दूर जाके नदी के सहारे किसी किनारे पर निकलती है। पैर घायल होने की वजह से जेसिका एक लकड़ी के डंडे के सहारे आगे बढ़ती है, मगर तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जेसिका एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाती है और जैसे ही उसके सामने कोई आता है वो उस पर हमला कर देती है, मगर ये कोई दूसरा ही शख्स होता है, जिसके बाद में जेसिका उसको सॉरी बोलती है। वो उस ओल्ड मैन से बताती है कि किसी ने मुझे किडनैप किया था और वो मुझे मार डालना चाहता है। जेसिका के डंडे से मारे जाने पर वो जो ओल्ड मैन होता है उसका फोन भी टूट चुका होता है, इसलिए 911 पर कॉल करके वो पुलिस को भी हेल्प के लिए नहीं बुला सकती है। वो ओल्ड मैन अब जेसिका को अपनी कार के पास में ले जाता है। वो दोनों अब कार की मदद से इस जगह से निकलते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाने पर एक गिरा हुआ पेड़ रास्ते में पड़ा होता है जो पूरी तरह से रोड को ब्लॉक किए होता है। जेसिका समझ जाती है कि ये काम उस आदमी ने ही किया है, इसलिए वो जल्दी से इस पेड़ को हटाने का ट्राई करती है, मगर पेड़ उन दोनों के हटाने से भी नहीं हटता है और थोड़ी देर में वो जीप वाला आदमी वहां भी आ जाता है। जेसिका उस ओल्ड मैन से कहती है कि वो एक खतरनाक आदमी है, प्लीज मुझे उससे बचाओ। इसीलिए वो ओल्ड मैन उस आदमी से बात करता है, लेकिन ये जो किडनैपर होता है उसके पास में भी काफी दिमाग होता है। वो ओल्ड मैन के सामने एक ऐसी नौटंकी बनाता है कि वो ये कहता है कि जो जेसिका है वो उसकी बहन है जिसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है और इसकी वजह से वो मुझसे डर के भाग रही है। ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार सही कौन है और झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन इस साइड में जेसिका बार बार यही कह रही होती है कि प्लीज इसकी बात मत मानिए, ये झूठ बोल रहा है। वो साथ में ये भी कहती है कि पुलिस को कॉल कर लो और वो ही आगे का मामला सुलझाएगी। जब वो किडनैपर ओल्ड मैन को अपना फोन देने के लिए हाथ बढ़ाता है, उतने में ही वो उस ओल्ड मैन के ऊपर हमला करके उसी की गन से उसको मार देता है, मगर इसी सब के दौरान में जेसिका वहां से भाग के कहीं जाके छिप जाती है। अब जब अगला दिन होता है तो वो किडनैपर मैन उस ओल्ड मैन की बॉडी को गड्ढे में दफना रहा होता है। इसी का मौका देख के जेसिका उसी की कार में जाकर बैठ जाती है। जेसिका कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी ढूंढती है, मगर चाबी के बजाय उसे उसका फोन मिल जाता है। वो आदमी फिर से कार में वापस आता है, इसलिए जेसिका कार के पीछे जाके बैठ जाती है। जेसिका कार के पीछे जाके 911 पर कॉल करके धीरे से कहने का ट्राई करती है, मगर आवाज सही से न जाने की वजह से फोन कट जाता है। लेकिन उस किडनैपर को यहाँ पता चल जाता है कि उसकी कार में पीछे कोई बैठा हुआ है, मगर उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही जेसिका उसके सर पर लोहे का रॉड मार देती है जिससे कार बेकाबू होकर पलट जाती है। जेसिका कीचड़ में जाके गिरती है, लेकिन फोन अभी भी उसी के पास में ही होता है। जेसिका अब फोन में 911 नहीं बल्कि उस आदमी की वाइफ के पास में फोन मिलाती है, जिसके बाद में वो पूरी सिचुएशन उस आदमी के वाइफ को बताती है। वो ये बताते हैं कि वो जो उसका हस्बैंड है उसे जहाँ वो सोच रही है वो वहाँ पर नहीं है। उसकी वाइफ के अनुसार वो जो आदमी है उसे कैलिफोर्निया ट्रिप पर होना था और इस आदमी का नाम सैम होता है। जेसिका उसे फोन देती है जिसमें उसकी वाइफ बार बार अपने हस्बैंड से हेलो हेलो बोल रही होती है, जिसके बाद में वो आदमी बाय बोलकर फोन को काट देता है। फोन को काट देने के बाद में सैम सीधा जेसिका पर हमला कर देता है, मगर जेसिका भी अब पीछे हटने वाली नहीं होती है और अंत में यहाँ पर सैम की मौत हो जाती है और जेसिका यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक बचती है। इसी के साथ में यहीं पर मूवी का भी एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2020 की एलॉन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी काफी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।